अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारी पश्तो की क्लासें चल रही थी, हम पश्तो सीख रहे थे। आज की हमारी क्लास है फेल हाल जारी के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तो हम फेल हाल जारी की पहले कुछ मिसालें पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। पहली मिसाल है हमारी, आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। इसकी पश्तो होगी तासो लगियाए खांदे, तासो लगियाए खांदे। नंबर दो है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। स्पे लगिया दे गापी, स्पे लगिया दे गापी। तीसरा जुमला है, वो लिख रही है, वो लिख रही है। हगा लगिया दा लिकी, हगा लगिया दा लिकी। नंबर चार पे है, मैं काम कर रहा हूं, ऐसे कहेंगे ज लगियायम कार को, ज लगियायम कार को। नंबर पांच पे है, हम गाने गा रहे हैं, पश्तो में होगी ये मुंग लगे आयु संदरे वायु, मुंग लगे आयु संदरे वायु। नंबर छह पे है, क्या लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो इसे पश्तो में कहेंगे वले हलकान लगिया दी मदरसे तजी, वले हलकान लगिया दी मदरसे तजी। व्यूअर्स, ये थी आज की कुछ मिसालें। अब नंबर दो पे हम चलते हैं कायदे में। कायदे में हम आपको बताएंगे आज कि वाहिद गायब मुजक्कर जो है उसके लिए लगिया दे, लगिया दे इस्तेमाल होगा। जैसा कि आप जुमलों में देख सकते हैं जहां पे हमने लगिया दे लगाया था, वाहिद गायब मुजक्कर के लिए लगिया दे जब मोनस होगी तो उसके लिए लगिया दा, लगिया दा, लगिया दे की जगह फिर लगिया दा लगाएंगे, हे लगाया जाएगा उसके साथ। जब जमा गायब मुजक्कर और मोनस दोनों होंगे तो उनके लिए हम लगाएंगे लगिया दी, लगिया दी। और जब वाहिद हाजिर मुजक्कर और मोनस दोनों होंगे तो उसके लिए हम लगाएंगे लगियाए। जब हाजिर होगे कोई आपके साथ मुखातिब होगा कोई, तो उसको हम अगर किसी पूछते हैं तो उसे हम कहेंगे लगियाए। और जब जमा हाजिर मुजक्कर और मोनस दोनों होंगे तो उनके लिए कहेंगे लगिया ये, लगिया ये। और जब वाहिद मुतकल्लिम मुजक्कर और मोनस होंगे, अकेला होगा मोनस और मुजक्कर दोनों, कोई इनमें से कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए कहेंगे लगिया यम। जब अपनी बारे में बात कर रहे हो और अकेला बंदा हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा लगिया यम, लगिया यम। और जब जमा मुतकल्लिम होंगे, जमा होंगे, मुजक्कर हो सकते हैं, मोनस हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए लगिया यू, लगिया यू लगाएंगे, लगिया यू। अभी हम आगे चलते हैं कि अगर फाइल का नाम मौजूद हो तो उसे लफज लगिया से पहले लगाकर मंदरजा बाला जमीर में से मुतलका जमीर के साथ लगाया जाता है और आखिर में फेल हाल लिखा जाता है। अगर फाइल का नाम मौजूद हो तो इसे लफज लगिया से पहले लगाकर मंदरजा बाला जमीर में से मुतलका जमीर के साथ लगाया जाता है और आखिर में फेल हाल लिखा जाता है। जैसा कि हमने मिसाल में पढ़ा था, कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पे कुत्ता मौजूद है ना, उसको नाम मौजूद है, तो उसके लिए हम कहेंगे स्पे लगिया दे गापी, स्पे लगिया दे गापी। ये मिसाल पीछे गुजर चुकी है, हमने आपको ऊपर पढ़ाई थी, कुत्ता भौंक रहा है, स्पे लगिया दे गापी। अभी नंबर तीन पे आता है, सवालिया फिक्रों में हरूफ इस्तेफहाम पहले लगाया जाता है,
हरूफ इस्तेफहाम ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, और हरूफ इस्तेफहाम था वले। तो अगर कोई जुमला होता है, कोई किसी से आपने पूछना हो सवालिया फिकरा, तो उसके लिए सबसे पहले वले लगाएंगे, हरूफ इस्तेफहाम वले। नंबर चार पे आता है मनफी फिक्रों में फेल से पहले न लगाया जाता है, मनफी फिक्र जो होता है उसमें फेल से पहले न लगाएंगे, ये भी हमने पिछली क्लासों में आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब हम आगे चलते हैं आज की मशक की तरफ, जो आप लोगों ने खुद हल करनी होगी। तो इनके पहले आप लोगों को जुमले बनाते हैं, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। पहला जुमला है आज का, असलम गाना गा रहा है, असलम गाना गा रहा है। दूसरा है सूरज गरूब हो रहा है। ये सारे फेल हाल जारी के हैं, फेल हाल जारी जो है इनके आप लोगों को आज मशक दे रहा हूँ। जो आप लोगों को हमने आज पढ़ाया है उन अल्फाज की और जुमलों की मदद लेके आप लोगों ने आज ये मशक खुद हल करनी है। तीसरा जुमला है लड़के आ रहे हैं। नंबर चार पे है मैं तुम्हें देख रहा हूं। नंबर पांच पे है क्या वो काम कर रहा है। नंबर छह पे है सलमा खत लिख रही है, सलमा खत लिख रही है। नंबर सात पे है लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं। नंबर आठ पे है वो इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा है, वो इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा है। नंबर नौ पे है लड़की बालों को कंघी कर रही है, लड़की बालों को कंघी कर रही है। नंबर दस पे है क्या गाड़ी खड़ी हो रही है, क्या गाड़ी खड़ी हो रही है। यहाँ पे हरूफ़ इस्तेफहाम पहले आ रहा है, तो आप लोगों को जो हमने सिखाया है उसकी मदद से आप लोगों ने इस तरह इसको खुद से लिखना है, मश्क खुद हल करनी है। नंबर 11 पे है बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं। ये थे व्यूवर्स आज आप लोगों की मश्क। तो इनमें से अब हम मुश्किल अल्फाज के मानी को चुनते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहला अल्फाज मानी है सूरज, तो सूरज को कहेंगे नमर, नवर या नमर, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, नवर या नमर। गरूब होना डूबेगी, डूबेगी। आ रहे हैं राजी, राजी। देख रहा हूं, अल्फाज है देख रहा हूं, तो इसके मानी होंगे गोरम, गोरम। अगला लफ्ज है खत, तो खत के मानी है चिठे, चिठे। खेल रही है लूबे कवि, लूबे कवि। तैयारी कर रहा है तैयारे कवि, तैयारे कवि। बाल विख्ता, विख्ता। कंगी करना मंगजवी, मंगजवी। बच्चे माशुमान, माशुमान। ये थे व्यूवर्स आज मुश्किल अल्फाज के मानी जो आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिए हैं। इनकी मदद से आप जुमले आसानी से बना सकते हैं, और अगर जहां पे आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हमसे मजीद मदद ले सकते हैं कमेंट्स में। उम्मीद है व्यूअर्स आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली और वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। मिलेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।